आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो F19 Pro F19 Pro Plus 5G के बारे में। दो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं ओप्पो की तरफ से आने वाले मंथ के अंदर, यानी मार्च के महीने में लॉन्च होने वाले हैं। कब लॉन्च होंगे वो पता चलेगा, क्या प्राइस में लॉन्च हो सकते हैं और मेन क्या स्पेसिफिकेशन हो सकती है उसके बारे में पता चलेगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब। मेवी रोम 2 का गिवअवे अभी भी एक्टिव है, कुछ ही दिन बचे हैं, 5 मार्च को लाइव रिजल्ट आएगा यूट्यूब के ऊपर। साथ ही साथ अपस्टॉक का भी लिमिटेड ऑफर जो था वो ऑलरेडी पहले 600 रुपीज का था, अब उसे घटा के 300 रुपीज का कर दिया, तो जिन्होंने अकाउंट ओपन नहीं किया कर लीजिए, ये भी काफी लिमिटेड पीरियड के लिए। प्लस जो भी अकाउंट ओपन करते हैं उन्हें 8000 रुपीज का जो कोर्स है हमारी वेबसाइट पर वो फ्री मिलने वाला है, तो जाइए आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बात करते हैं ओप्पो वेबसाइट का, लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में दिया है ओप्पो F19 Pro 5G के बारे में और ओप्पो F19 Pro Plus 5G के बारे में। पहले बात करते हैं ओप्पो F19 Pro के बारे में। F19 Pro जो होने वाला है उसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो बताया जा रहा है कि 20,000 के आसपास की प्राइसिंग के साथ आ सकता है। 6GB की रैम होगी, 128GB का स्टोरेज होगा, मेगाटेक हीलियो P95 वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। जो कैमरा होगा उसके अंदर 48 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का प्लस 2+2 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलेगा। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलेगा। 4310mAh की आपको बैटरी देखने को मिलेगी। 30W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा और आपको एमोलेड नहीं नॉर्मल IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। फिंगरप्रिंट में या तो बैक साइड आपको उसका जो है फिंगरप्रिंट आता हुआ देखने को मिलेगा, पीछे से आपको थोड़ा आईफोन जैसा वो एक क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। तो आईफोन में जैसे ट्रिपल कैमरा है उसी के अंदर क्वाड कैमरा का, जैसे रियल में काफी फोन जाते हैं कुछ वैसा आपको देखने को मिलने वाला है। ओप्पो F19 Pro Plus 5G की बात करें तो ये फोन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि ये फोन 5G होगा, जो ओप्पो F19 Pro है वो 5G नहीं होने वाला है। इसकी जो प्राइसिंग बताई जा रही है वो बताई जाएगी 25,000 के आसपास आ सकती है 8GB 128GB वेरियंट के लिए। 5G फोन होने वाला है, इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ये सेम फोन को आप कंपेयर कर सकते हो रियलमी के फोन के साथ, तो ये थोड़ा ऑफलाइन, ओप्पो ज्यादा ऑफलाइन पे बिलीव करता है, वो ऑफलाइन ज्यादा फोन्स बिकते हैं ओप्पो के, तो थोड़ी प्राइस बढ़ जाती है। अगर आपको यही सेम फोन खरीदना है तो आप इसको रियलमी X7 की तरह खरीद सकते हैं। X7 का ही कॉपी वर्जन है ये ओप्पो का F19 Pro 5G। 6.4 इंच के आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U वाला प्रोसेसर मिलेगा, 64+8+2+2 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलेगा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर होगा, 4500mAh की बैटरी होगी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, 30W का फास्ट चार्जिंग भी आपको इसके साथ सपोर्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यही सेम फोन लॉन्च होने के पहले अगर आपको बाय करना है तो आप रियलमी का X7 कंसिडर कर सकते हैं। ऑनलाइन ही मिलेगा X7, लेकिन इससे काफी कम प्राइस में 20,000 रुपये में आपको मिल जाएगा रियलमी का X7, तो आप रियलमी का X7 को कंसिडर कर लीजिए। अगर किसी को ओप्पो ही लेना है तो वेट कर सकते हैं, वरना सेम स्पेसिफिकेशन के साथ जो फोन है वो आपको रियलमी X7 भी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो ओप्पो F19 Pro आने वाला है वो थोड़ा डाउनग्रेडेड वर्जन होगा, उसमें आपको एमोलेड स्क्रीन नहीं होगी, 5G फोन नहीं होगा। ओवरऑल बात करें तो ओप्पो F19 Pro तो उतना खास नहीं है, F19 Pro Plus 5G जो फोन है वो थोड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन प्राइस उसकी ऑब्वियसली ओवर प्राइस होने वाली है क्योंकि वो ऑफलाइन सेंट्रिक फोन होने वाला है। तो अगर किसी को परचेस करना है तो ये इंडिया में लॉन्च होगा मार्च 15 के बाद, बताया जा रहा है कि इंडिया में जल्दी ही लॉन्च हो सकता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही जगह आपको ये आता हुआ देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कल जब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।